नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर। भारत, इसराइल, अमेरिका और मुतहिदा अरब अमारात का नया इतिहाद I2U2 कायम हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन के दौरे मगरबी एशिया के दौरान वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारत, इसराइल, अमेरिका और मुतहिदा अरब अमारात के सरबराहान शरीक होंगे, जबकि इजलास में गजाई तहफ्फुज़ को लाहक खतरात और दीगर शुबों में तआवुन पर बात होगी। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक इस ग्रुप में I2 भारत और इसराइल के लिए और U2 अमरीका और मुतहिदा अरब अमारात के लिए है। सऊदी अरब ने इस साल मीना में आज़मीन हज के लिए मस्जिद अल खफीफ खोलने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वबा और महदूद हज के बाइस मस्जिद अल खफीफ 2 साल से नहीं खोली गई थी। वजारत इस्लामी अमूर कमेटी के मुताबिक रवा साल 8, 10, 11, 12 और 13 जिलहज को हज्जाज मस्जिद अल खफीफ में नमाज अदा कर सकेंगे। अमरीका में महंगाई ने 41 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। शरह सूद में 0.75 बेंसर्स पॉइंट्स का इजाफा कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फेडरल रिजर्व ने अमरीका में तारीखी महंगाई का मुकाबला करने के लिए शरह सूद में 0.75 बेंसर्स पॉइंट्स का इजाफा किया है, जिसके बाद शरह सूद 1.75% हो गई है। माहिरीन के मुताबिक ये गुज़श्ता 30 सालों में बढ़ाई गई सबसे ज़्यादा शरह है। अमरीकी फेडरल रिजर्व की ओपन मार्केट कमेटी का इजलास 2 रोज़ जारी रहा, जिसमें शरह सूद बढ़ाने का फैसला किया गया।